अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन मत दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओके ओके, इस आवाज़ में गाना निकल गया गले से, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है प्रतीक लिधु को बुला लेना चाहिए, वो अपने गिटार पे जब ये गाएगा ना तो आपको और अच्छा लगेगा। हाँ भाई प्रतीक, शुरू हो जाओ। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन मति दे भगवान, सबको सन मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। मांगो का सिंदूर ना छूटे, मांगो का सिंदूर ना छूटे, माँ बहनों की आस ना टूटे, माँ बहनों की आस ना टूटे, देह बिना भटके ना प्राण, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह। साहिर लुधियानवी का ये भजन जो अभी आपने सुना है, ये 1961 की फिल्म हम दोनों का है, जिसे लता जी ने गाया था, नंदा पे पिक्चराइज था। अब भी सुनिएगा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल भर आता है। वैसे इस भजन से ये एपिसोड शुरू करने का मकसद ही ये है कि हम दुआ कर रहे हैं कि ऐ खुदा लोगों को सन्मति दे, विजडम दे, ताकि सिंगर के नाम में मोहम्मद रफ़ी देख के एतराज़ करने के बजाय सेलिब्रेट करें कि हिंदी सिनेमा में, भजन गायकी में मोहम्मद रफ़ी वॉज पियरलेस। नहीं, हाल फिलहाल में ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन एतराज़ करना तो हमारी आदत है। और इस एपिसोड में हम रफ़ी साहब को याद करेंगे नॉट एज अ प्लेबैक सिंगर, जिन्होंने उर्दू शायरी को फिल्मी गानों के जरिए उरूज पे पहुंचाया, बल्कि आज रफ़ी साहब को याद करेंगे एज अ भजन सिंगर, जिनका कोई सानी नहीं। द क्विंट पे शुरू हो चुका है उर्दू नामा, मैं हूँ फबीहा सैयद। आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी के करियर का एक सॉलिड साइड भी है, जिसके बारे में शायद इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि उन्हें आज मोहम्मद रफ़ी की इस तस्वीर को बतौर भजन सिंगर आपको दिखाएं। 24 दिसंबर 1924 में अमृतसर में पैदा हुए रफ़ी को प्यार से फीकू कहा जाता था। फीकू को जब 1937 में लाहौर में हुए एक ऑल इंडिया एग्जीबिशन में गाने का मौका मिला, तो वो मौका फीकू यानी मोहम्मद रफ़ी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो इसलिए क्योंकि वहाँ उस एग्जीबिशन में सुपरस्टार केएल सैगल समेत कुछ नामी ग्रामी हस्तियां भी मौजूद थीं, जिन्होंने 13 साल के लड़के का टैलेंट देखते ही समझ लिया दैट वन डे दिस यंग मैन विल बिकम द गोल्डन वॉइस ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक। रफ़ी साहब के वालिद क्योंकि 1935 में लाहौर चले गए थे, तो पूरी फैमिली को भी हिजरत करनी पड़ी। अब रफ़ी साहब तकरीबन उस वक्त पे 10-11 साल के ही थे, और जिस एग्जीबिशन में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया था आपको मैंने, उसके बाद से उनके चर्चे लाहौर के म्यूजिक सर्कल में बुलंद होने लगे। फॉर्मल ट्रेनिंग तो चली रही थी उनकी, लेकिन पहला मूवी सॉन्ग जो उन्होंने गाया वो एक पंजाबी फिल्म के लिए था। रफ़ी साहब 20 साल के थे जब लाहौर से बॉम्बे आ गए। अच्छा, बॉम्बे आने का भी किस्सा उनका बड़ा ही दिलचस्प था। जैसे आपको मैंने बताया कि रफ़ी साहब को लाहौर से ही शोहरत मिलनी शुरू हो चुकी थी, तो उनके टैलेंट के चर्चे बॉम्बे तक आने शुरू हो गए थे। तो हुआ ये कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें
100 रुपए समेत लाहौर टू बॉम्बे का टिकट भिजवाया और उन्हें बॉम्बे बुला लिया। यहाँ एक रिकॉर्डिंग अरेंज की गई जो नौशाद साहब का ही गाना था। तो नौशाद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जो गाना था जो मोहम्मद रफ़ी की पहली रिकॉर्डिंग थी वो दरअसल एक पेट्रियाटिक सॉन्ग था फॉर द मूवी पहले आप। इसे बनाया गया था 1944 की बात है और उसमें कोरस को उन्होंने कहा कि मार्चिंग का साउंड आना चाहिए, इसीलिए सभी सिंगर्स को मिलिट्री बूट्स जो जूते हैं वो पहनने पड़ेंगे। अब रफ़ी साहब ने भी पहने वो जूते तो गाना गाते गाते मार्च भी करना था। नौशाद साहब बताते हैं कि रिकॉर्डिंग के आखिर तक मोहम्मद रफ़ी के पैरों में से खून निकल रहा था, लेकिन वो इस बात पे इतने खुश थे कि उन्होंने नौशाद साहब के साथ बतौर कोरस सिंगर ही सही लेकिन गाना गाया। He was really happy about that. नौशाद साहब ही के साथ फिर उनकी ऐसी टीम बनी जिसने अपना ही एक हॉलमार्क बना लिया, इंडियननेस। हिंदुस्तानी फोक और क्लासिकल नोट्स इस मुलायम आवाज के साथ सुनाए कि फिल्मों के लिए रोमांटिक सॉन्ग्स हो, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हो, शब्द कीर्तन हो या भजन, रफी का मुकाबला वाकई कोई नहीं कर पाया। 1954 की फिल्म अमर का ही आप भजन सुनिए। रफ़ी साहब और म्यूजिक कंपोजर नौशाद साहब की जोड़ी तो है ही, साथ में इन्हें इस भजन के लिए ज्वाइन किया है पोएट शकील बदायूनी ने। मैं गा नहीं पाऊंगी क्योंकि आपने सुन लिया है कि मेरी आवाज़ कैसे निकल रही, गला भी बंद है नाक भी बंद है, फिर भी कोशिश की मैंने। खैर, जिस भजन की मैं बात कर रही थी वो मैं आपके लिए पढ़ जरूर सकती हूँ। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह दे तुझे किस बात का डर है, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है पांव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर, हिम्मत है तो आजा ये भलाई की डगर है। दुख दे के जो दुखिया से ना इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको ना कभी माफ करेगा, ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है, हिम्मत है तो आजा ये भलाई की डगर है, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, निर्धन भी है इंसान मोहब्बत उसे दे दे, जिस दर पे सभी एक हैं बंदे ये वो दर है, मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। एक और एग्जांपल सुनिए रफी नौशाद की जोड़ी की डेडिकेशन का। 1954 में बनी फिल्म बैजू बावरा का एक बहुत ही खूबसूरत भजन है, मन तड़पत है हरी दर्शन को। जिन तीन लोगों ने इस भजन को बनाया है उसमें तीसरे हैं शकील बदायूनी। शकील, रफ़ी और नौशाद को मिलाकर जो भी बने उसे बड़ी ही अकीदत के साथ अगर ना सुने तो कितनी गलत बात होगी ना। इन तीनों लेजेंड्स के नाम पर मत जाइए, इनकी डिवोशन का आलम देखिए आप कि भगवान की याद में एक भजन बनाया है इन तीनों ने। हुआ ये था कि इस भजन की रिकॉर्डिंग के लिए नौशाद साहब ने सभी म्यूजिशियंस को कहा कि पाक साफ होकर आना, और इस भजन को रिकॉर्ड करते करते इस कृष्ण भजन में रफ़ी साहब की जो अदायगी है उससे फिल्म के फाइनेंसर पर इस कदर असर हुआ कि वो कृष्णा कृष्णा जपते हुए सिर्फ झूम रहे थे। शकील बदायूनी जिन्होंने भजन लिखा था उन्हीं की तरह एक और उर्दू शायर हैं जिनकी उर्दू शायरी में आपको हिंदी का गहरा रंग मिलेगा, और वो कौन है? साहिर लुधियानवी। साहिर पर भी एक उर्दू नामा का तवील एपिसोड है, वो आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन अभी साहिर का ही लिखा एक भजन जो रफ़ी साहब ने 1970 की फिल्म नया रास्ता के लिए गाया था, उसे हम इस पॉडकास्ट में आज शामिल कर रहे हैं। ना, मैं गाऊंगी नहीं, लेकिन इसको जो गा रहे हैं वो गिटार पे गा रहे हैं। इनका नाम है सौरभ गुप्ता। सौरभ एक इंडी गायक और गीतकार हैं। बचपन ही से बॉलीवुड के गाने और ढोलक बजाना इन्हें बहुत पसंद था। 2007 में अपनी इंजीनियरिंग के दिनों के दौरान उन्होंने गिटार बजाना सीखा और वहीं से अपने गीतों को लिखने और बनाने की जो ये कड़ी है, जो सिलसिला है, वो शुरू हो गया था। 2018 से उन्होंने सौरभ गुप्ता सनी के नाम से 6 सिंगल्स रिलीज किए हैं। उनके बहुत सारे पॉपुलर गीत हैं जो आपको स्पॉटिफाई पे मिल जाएंगे। मोरे साजन, इसमें सेमी क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी शेड्स आपको मिलेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं ये। और आज उर्दू नामा में मोहम्मद रफ़ी का एक भजन ये परफॉर्म कर रहे हैं गिटार पे। छोटा सा हिस्सा है इसका जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, सुनिए इन्हें। ये
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। बहुत बढ़िया सौरभ, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। तो आज रफी साहब के ऊपर हमने ये पॉडकास्ट आपको सुनाया, उनकी जो भजन सिंगर वाली साइड थी वो आपको पूरी तरह से तो नहीं दिखा पाए, पर हाँ उसका जिक्र अपने लेवल पे जिस तरह कर सकते थे वैसे किया है। जादू ही ऐसे रफी साहब का कि जो भी सुनता है उस पर एक खुमार सा तारी हो जाता है, इसीलिए रफी जैसा कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई खुमार क्या है, वो भी बताएंगे लेकिन अगले हफ्ते। अभी फिलहाल गला पक रहा है, थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है, तो भेजा भी पक रहा है हमारा। अगले हफ्ते तक ठीक होने की उम्मीद है, साल का आखिरी हफ्ता बचा है और सबसे बड़ा काम जो मुझे करना है वो है हिसाब किताब। आई एम सीरियस गाइज, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा बिकॉज अगले साल के लिए आई हैव सम गोल्स जो मैं 40 के होने से पहले पूरा करना चाहती हूँ। आई मीन आई एम नॉट 40 बट इन अ फ्यू ईयर्स आई विल बी, तो तैयारी तो अभी से करनी होगी ना। खैर आई एम शेयरिंग ऑल दिस विद यू ताकि आप भी ज़रा संजीदगी से सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। हम चीज़ें टालते रहते हैं इसीलिए डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसी बलाएँ जो हैं वो चिपटती रहती हैं। थेरेपिस्ट होना चाहिए ना मुझे। एनीवे दिस फर्जी थेरेपिस्ट Now needs to eat her hot soup, जो मेरे मियाँ ने तैयार किया है। But guys, जाने से पहले एक और बात सुन लीजिए। सियासत पॉडकास्ट जो आ रहा है ना क्विंट पर, वो भी जरूर सुन लीजिएगा। उपेंद्र टॉक्स अबाउट हरिदेव दोषी इन दिस एपिसोड। हरिदेव दोषी अ 3-time राजस्थान CM who never finished a single tenure। मैं तो पूरा सुनने वाली हूँ पॉडकास्ट, सुनने में इतना मजा आ रहा है इसका जो ये छोटी सी आपको मैंने समरी बताई है। चलिए आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिए, हर कोई बीमार पड़ रहा है, आप मत पड़िएगा। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।